હાલમાં રાહુલ ગાંધી ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા પર છે ત્યારે ગુજરાતથી ડોનેટ ફોર ન્યાય કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના સહખજાનજી વિજય ઇન્દ્ર સિંગલા દ્વારા રાજીવ ગાંધી ભવનમાં બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી હતી ત્યારે ગુજરાતમાં પણ આ યાત્રા યોજાનાર છે તેના ભાગરૂપે ડોનેટ ફોર ન્યાયની શરૂઆત કરવામાં આવી છે જે કાર્યક્રમ દ્વારા 484 કાર્યકર્તાઓએ 10 લાખ રૂપિયા ડોનેટ કર્યા છે। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक किट उन तक पहुंचाई जाएगी, उसके अंदर एक राहुल गांधी जी के हाथ की दस्तखत की हुई टी शर्ट, एक रिस्ट बैंड, एक बैच और एक कुछ स्टिकर्स एक किट के रूप के अंदर उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की सोच है और ये जो किट है वो प्रचार के तौर पर हर जगह पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। और मैं ये बात जरूर समझता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो कई बरस से नहीं, पर लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम ऊपर वाले हॉल में 10:30 बजे चालू हुआ, जिस प्रकार से भाइयों ने, बहनों ने, महिला कांग्रेस की हमारी बहनों ने, युवा कांग्रेस के साथियों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, उससे मुझे ये लगता है कि यहाँ पर लोगों के मन के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रति जो प्यार भावना और सहयोग जो उनकी तरफ से मिला है, ये अपने आप में एक मिसाल की बात है।